हाय फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज के इस वीडियो में हम क्वेज कॉरपोरेशन का एलिवेट वेब एनालिसिस देखेंगे और ये क्वेज कॉरपोरेशन का डेली चार्ट है और इस तरह से मैंने लेबलिंग किया हुआ है। सो बेसिकली जो मेरा ऑनलाइन एलिवेट वेब कोर्स है वेव्स ऑफ वेल्थ, उसके हिसाब से हम इसको बोलते हैं सेटअप वन बाय। सेटअप वन बाय इज बेसिकली ए ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल जिसमें फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट होता है और फिफ्थ वेव के लिए हम ट्रेड करते हैं। और ये ट्रेड सेटअप बहुत ही एक्यूरेट मॉडल है, उसके कुछ रिसेंट एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उसको हम पहले देखते हैं तो आपको पता चलेगा। फिर फॉर एग्जांपल सिल्पा मेडिकेयर अभी रिसेंटली मैंने कवर किया था और यहाँ पर देखिए कि दिस वॉज सिमिलर सेटअप, फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट था और फिफ्थ वेव के लिए हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। अराउंड 560 के आसपास मैंने कवर किया था और ये फिर गैप अप हुआ था यहाँ पर और आप देखिए कि ऑलमोस्ट 20% जितना उसमें मूव आया है। फिर एक मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस किया था, दैट वाज मोतीलाल ओसवाल का एक जो ट्रेड मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पर देखिए कि थर्ड वेव था, थर्ड वेव में ये फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट था और फिर यहाँ पर अराउंड 810 के आसपास मैंने आपके साथ ये चार्ट डिस्कस किया था एंड दिस इज अ लीनियर मूव। और ये मूव कितना है यहाँ पर देखिए कि मोर देन 40% का मूव है यहाँ पर। फिर कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ कुछ ट्रेड्स डिस्कस किए थे, ये BSE का एलिवेट वेव एनालिसिस भी मैंने आपके साथ यूट्यूब पर यहाँ ही डिस्कस किया था कि ये फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट लग रहा है और अराउंड 600 के आसपास हमने उसको यहाँ कवर किया था। तो ये 600 से लेके 1400 के आसपास गया है, दिस इज मोर देन 100% मूव। फिर कुछ ट्रेड्स थे, जैसे एक था गेल, उसका पूरा वीडियो है, उसमें हमने गेल को एनालाइज किया था, अराउंड 150 वी हैड कवर, 150 के आसपास हमने यहाँ पर कवर किया था और फिर 160 के आसपास हमारा टारगेट था, 165 के आसपास। और आप देखिए कि कुछ ही सेशंस में उसने वो टारगेट अचीव किया था और ये भी 10% का मूव था। सो ये एक ट्रेड सेटअप भी आप मास्टर कर लोगे तो इट इज़ मोर देन इनफ टू मेक ए लिविंग आउट ऑफ स्टॉक मार्केट। और ये ट्रेड सेटअप की ब्यूटी क्या है कि कोई भी असेट क्लास में आप इसको ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट पे एक यूरो यूएसडी का भी मैंने ब्लॉग पोस्ट किया था कुछ टाइम पहले और ये यूरो यूएसडी में भी इस तरह की पैटर्न थी कि ये फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट लग रहा था। वो ब्लॉग भी आप वेबसाइट पे जाके देखोगे, 1.23 के आसपास एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर एंड ये लेबलिंग था। तो ये यूरो यूएसडी को मैंने इसी ट्रेड सेटअप से एनालाइज किया था और आप देखिए कि जो टारगेट था उसको उसने यहाँ पर हिट किया था, 1.23 के आसपास का टारगेट था, 50% एक्सटेंशन वी आर एक्सपेक्टिंग और वो टारगेट हिट हुआ। और जो वीडियो में मैंने आपको गेल, फिर एक टॉरेंट पावर का भी चार्ट बताया था, टॉरेंट पावर में भी हमने डिस्कस किया था कि फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट है, फिर फिफ्थ के लिए जा सकते हैं अराउंड 390 या 400 के आसपास, लेटर से 400 के आसपास हमने कवर किया था और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 500 को वो टच करके आया, दिस इज़ मोर देन 25% मूव। फिर गोल्ड हमने डिस्कस किया था, गोल्ड का चार्ट गेल टॉरेंट पावर और फिर गोल्ड। तो गोल्ड में आप देखें कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि 1798 को क्रॉस करेगा तो 1830 के आसपास हमारी एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी। अब ये थोड़ा लेबलिंग चेंज हो सकता है बट हाउ एक्यूरेटली इट हैज़ वर्क। फिर कुछ ट्रेड्स रिसेंटली मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, दैट वॉज DLF, इसका भी वीडियो के द्वारा मैंने आपके साथ एलिवेट वेव एनालिसिस डिस्कस किया था और आप देखिए कि ये डेली में यहाँ पर सेटअप वन बाय था, डेली में सेटअप वन बाय था, यहाँ पे फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट था और 270 के आसपास हमने उसको कवर किया था एंड 340 वॉज अवर एक्सपेक्टेशन और उसमें भी देखिए कि 25% के आसपास उसमें मूव आया है। तो हमने देखा कि ये एक्रॉस असेट क्लासेस भी अच्छे से काम करता है और द ब्यूटी इज कोई भी टाइम फ्रेम में ये ट्रेड सेटअप को आप प्लान करके ट्रेड ले सकते हो। फॉर एग्जांपल DLF में देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि जो फिफ्थ वेव बन रहा था और उसका भी फिफ्थ वेव बन रहा था, ये फिफ्थ वेव था और उसका ये फिफ्थ वेव है
और उसमें क्या था कि यहाँ पे फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट था, तो हम ये फिफ्थ वेव का, जो फिफ्थ वेव उसको भी ट्रेड कर सकते, तो ये छोटे टाइम फ्रेम में जाके 75 मिनट या तो 125 मिनट में जाके ये ट्रेड को आप प्लान करके यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। तो आप देखिए कि अगर आपने यहाँ पे मिस किया है तो इट गेव यू अनदर अपॉर्चुनिटी, पर अगर आपने यहाँ पर ऐड किया है फॉर एग्जांपल और ये रिट्रेसमेंट आया, यू विल नॉट बी वरीड। रादर यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप मिलता है तो आप क्या है कि पोजिशन को थोड़ा स्केल अप भी कर सकते हो। फिर मोस्ट रिसेंटली अभी मेरी प्रीमियम एनालिसिस में मैंने एक LNT का 75 मिनट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। LNT में भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ सेटअप था कि डेली में ये सेटअप वन बाय था। आप देख रहे हो कि डेली का ये फोर्थ वेव था और ये फिफ्थ के लिए जा रहे थे, तो मैंने यहाँ पर तो कवर नहीं किया था बट अराउंड 1512 उसको मैंने कवर किया था। और आप यहाँ पे देखे कि ये प्रीमियम जो क्लाइंट्स है उनको मैंने ये अपडेट भेजा था कि LT का 75 मिनट का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पर, और 1512 के आसपास हम एंट्री ले सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1447 और 1600 के आसपास का हमारा टारगेट था। और आप देखिए कि ये 75 मिनट में इट हैज़ वर्क विद अ ग्रेट एक्यूरेसी। देख रहे हो यहाँ पर कि जो फिफ्थ वेव जो था उसका, ये डेली का फिफ्थ वेव था उसका, ये फिफ्थ वेव हमने ट्रेड किया था। फिर बजाज फाइनेंस में मैंने आपके साथ एक डिस्कस किया था, दैट वाज 75 मिनट स्ट्रक्चर, उसका भी काफ़ी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 6000+ लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखे कि ये मूव हमने कैप्चर किया था पूरा। फिर IRCTC में एक रिसेंट ट्रेड लिया था, दैट वाज आल्सो इन अ 75 मिनट टाइम फ्रेम एंड इट हैज़ वर्क विद अ ग्रेट एक्यूरेसी। सो ये एक सिंगल ट्रेड सेटअप को भी आप अच्छे से मास्टर कर सकते हो, तो इट इज़ मोर देन इनफ टू मेक ए लिविंग आउट ऑफ ए स्टॉक मार्केट। सो हमने देखा अब तक कि कोई भी टाइम फ्रेम में इट वर्क्स विद ग्रेट एक्यूरेसी, अक्रॉस असेट क्लासेस उसको ट्रेड कर सकते हो। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेड सेटअप इज कि जब ट्राइंगल की पैटर्न आपको मिलती है वेव फोर में तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। आपने देखा अभी तक कि ये हाईली एक्यूरेट मॉडल है, बट आपको वेव फोर में जब ट्राइंगल की पैटर्न मिलती है तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल टाइटन में एक ट्राइंगल की पैटर्न थी, ये चार्ट मैंने ट्विटर पर भी शेयर किया था। आप देखिए कि ये ट्राइंगल की पैटर्न थी, वेव फोर में ट्राइंगल था और फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन मूव हमने, जिसको बोलते हैं थ्रस्ट आउट ऑफ ट्राइंगल। फिर धनु का, दिस ऑल वेर कवर्ड इन माई प्रीमियम एनालिसिस, टाइटन, धनु का, एग्रीटेक, आप देखो यहाँ पर कि उसमें भी एक ट्राइंगल की पैटर्न थी एट दिस पॉइंट यहाँ पर। और दिस आर नॉट स्मॉल मूव, ये छोटे मूव नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पर 800 के आसपास फॉर एग्जांपल हमने कवर किया हो तो भी आप देखिए कि दिस इज मोर देन 30% मूव। फिर एक APL अपोलो ट्यूब्स में आप देखिए कि दिस वॉज अ ट्राइंगल पैटर्न, और ये मेरे कोर्स के सब्सक्राइबर ने मेरे साथ डिस्कस किया। इवन BSE में भी एक जो सेटअप वन बाय था छोटे टाइम फ्रेम में, यहाँ पर देखिए कि BSE का चार्ट, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी, जैसे 1, 2, 3 और ये फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट था तो यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे। सिमिलरली ये APL अपोलो भी उन्होंने ही मेरे साथ डिस्कस किया था कि 1350 के आसपास हम एंट्री प्लान कर सकते थे, और ये दिस वॉज अ ट्राइंगल पैटर्न, यहाँ पर मैंने लेवलिंग नहीं किया बट दिस वॉज अ ट्राइंगल इन वेव फोर, और ये मोर देन 20% का मूव है। फिर रिसेंटली एक टेक महिंद्रा, ये टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ट्राइंगल की पैटर्न है टेक महिंद्रा में, फोर्थ वेव में ट्राइंगल था और फिर आप देखें कि ये ब्रेकआउट दिया था, 1100 को क्रॉस किया, वापस उसी लाइन पे जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी ट्राइंगल की, उसी पे सपोर्ट लिया है और ये वापस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। फिर मोस्ट रिसेंटली हमने जो ट्राइंगल का ट्रेड लिया था, दैट वॉज दीपक नाइट्रेट, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ एल्यूटिव ट्राइंगल। आप देखिए गैप अप हुआ था यहाँ पर और क्विकली 10 या 12% का मूव हम इसमें कैप्चर कर पाए थे। सो ये जो ट्रेड सेटअप है ये मैंने मेरे कोर्स में बहुत ही ग्रेट डिटेल्स में कवर किए है। ये जो लेबलिंग है कि एग्जैक्टली फोर्थ कहाँ पर लेबल करना है, थर्ड कहाँ पर लेबल कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन ए ग्रेट डिटेल। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेस कॉरपोरेशन को, तो ये सिमिलर सॉर्ट ऑफ सेटअप है यहाँ पर, उसमें दो पॉसिबिलिटीज है। पहले हम यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ये जो डेली का थर्ड वेव है इट हैज कम्प्लीटेड हियर, ये डेली का वाइट में मैंने जो लेबल किया है, ये डेली का फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट हो सकता है और यहाँ पर फिफ्थ वेव के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं।
तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं कि वेव थ्री का एक्सटेंशन क्या है, वेव थ्री कहाँ पर एक्सटेंड हुआ है वो थोड़ा हम देखते हैं पहले। तो आप देखिए कि वेव थ्री का जो एक्सटेंशन है दैट इज अराउंड 2.618 लेवल के आसपास गया है, दैट मीन्स वेव थ्री इज एक्सटेंडेड। और यहाँ पर देखते हैं कि वेव फोर का जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ पर है। तो आप देखिए कि वेव फोर का जो रिट्रेसमेंट है दैट इज अराउंड 0.236 लेवल। सो दिस इज परफेक्टली फाइन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ वेव प्रिंसिपल। वेव फोर जो होता है वो एक सैलो रिट्रेसमेंट होता है, बिकॉज थर्ड वेव एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव होता है और उसके बाद क्या है कि एक नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग आता है, वो फेज होता है, दैट इज दैट वी कॉल वेव फोर। और ये जो एलिवेट वेव की थियरी है वो क्या है कि मास साइकोलॉजी पर ही बेस्ड है। तो ये जो रिट्रेसमेंट है दैट इज एग्जैक्टली अराउंड 0.236। अब हम यहाँ पर ये वेव फोर का करेक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं उसको असेस करने के लिए फिर क्या कि थोड़ा डिटेल में जा सकते हैं कि वेव फोर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वेव फोर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम थोड़ा डिटेल में डिग करके थोड़ा बहुत कंफर्मेशन ले सकते हैं। पर ये वेव फोर में जो करेक्शन है दिस लुक्स लाइक अ रेगुलर फ्लैट करेक्शन लग रहा है यहाँ पर, जिसमें वेव बी का जो रिट्रेसमेंट होता है वो क्या है 0.85-0.9 के आसपास रहता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि वेव बी का रिट्रेसमेंट कहाँ पर है। अब देखिए कि इट इज़ मोर देन 80%, एग्जैक्टली कहाँ पर है वो हमें क्रॉस वेरीफाई करना है। तो इस तरह से कुछ ट्विक करके हम यहाँ पर कर सकते हैं। हम यहाँ पे 0.85 करके देखते हैं तो हम देखिए कि एग्जैक्टली 0.85 के आसपास ये रिट्रेसमेंट आया है। और रेगुलर फ्लैट में वेव सी का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है 125% to 138% ऑफ वेव ए। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेव सी का एक्सटेंशन क्या है। तो 0 to A माइनस बी करते हैं यहाँ पर, मोर देन 1.25 है, एग्जैक्टली कहाँ पर है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हम करते हैं 1.382 करके देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर दिस इज एग्जैक्टली अराउंड 1.382 लेवल। सो हमने देखा कि वेव फोर का जो रिट्रेसमेंट था दैट वॉज अराउंड 0.236। अब हमने वेव फोर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा डिटेल में एनालाइज किया और हमने देखा कि जो वेव सी का जो एक्सटेंशन है दैट इज अराउंड 138% ऑफ वेव ए। सो वी कैन बी रीजनेबली श्योर कि यहाँ पर जो है वेव फोर का करेक्शन कंप्लीट हो गया हो सकता है। और फिर क्या है कि एंट्री के लिए हम कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं दैट आई हैव एक्सप्लेन इन माय कोर्स, कि DMA टूल का यूज़ कर सकते हो। अभी भी देखिए कि जो प्राइस है वो डेली में क्या है कि ये DMA लाइन से उसके नीचे ट्रेड कर रही है। तो माइट भी यहाँ पे करेक्शन अभी कंप्लीट ना भी हुआ हो, बट एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बूस्ट अप करना है तो आप क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम में जाके एंट्री प्लान कर सकते हो। तो हम 125 मिनट में जाके देखें तो यहाँ पर देखिए कि प्राइस जो है उसने ये जो DMA लाइन है उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर एक चांस ले सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि दूसरी पॉसिबिलिटीज भी लग रही है। अब हम यहाँ पर जो दूसरा वेव काउंट है उसको थोड़ा असेस करते हैं। पहले हमने ऐसा एज्यूम किया था कि ये डेली में थर्ड कम्प्लीट हुआ है, डेली का फोर्थ भी कम्प्लीट हो गया और डेली के फिफ्थ के लिए ट्रेड कर रहे हैं। अब ऐसी पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है यहाँ पर कि ये जो थर्ड वेव है वो थर्ड वेव में ही हो हम, और उसमें जो फिफ्थ बन रहा है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये फिफ्थ इज ऑलवेज इम्पल्सिव। तो ये जो फिफ्थ वेव बन रहा है उसमें भी 5 सब वेव्स बनेंगे, तो ये फिफ्थ का फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो ये जो पैटर्न है ये इम्पल्स है, ये इम्पल्स में यहाँ पर वेव फोर का करेक्शन हो सकता है। पहले हमने ये पूरी पैटर्न में देखा कि ये पूरी पैटर्न का वेव फोर हो सकता है, बट नाउ वी आर एज्यूमिंग कि ये जो पूरा इम्पल्स है उसी का वेव फोर है। अब हम यहाँ पर उसको थोड़ा लेवल करते हैं, पहले इस तरह से हम लेवल कर सकते हैं 1, 2, ये थर्ड वेव कंप्लीट हुआ है, दिस इज द फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट, और फिफ्थ के लिए ट्रेड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो थर्ड वेव है उसका जो फिफ्थ वेव बन रहा है उसके फिफ्थ वेव को हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अब हम ये पैटर्न को भी थोड़ा एनालाइज करें यहाँ पर,
और ये पैटर्न हमें मिल सकती है कि 125 मिनट में जाके हो सकता है कि हम उसको एनालाइज कर सकते हैं प्रॉपरली। तो आप देखिए कि इस तरह से ये दिख सकता है आपको कि ये 125 मिनट में या तो 75 मिनट में भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें कि वेव फोर का जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ पर है। सो वेव फोर का रिट्रेसमेंट आप देखिए कि 0.5 के आसपास ये टर्मिनेट हो गया हो ऐसा लग रहा है। और ये जो पैटर्न लग रही है यहाँ पर देखिए कि एक वो स्पेसिंग रेजिस्टेंस, ये जो लेवल है उसके आसपास ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा था यहाँ पर। एंड ये एक अच्छा टेक्निकल कंसेप्ट है कि एक ब्रेकआउट आता है यहाँ से, ये ब्रेकआउट दिया है, वापस इसी ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट किया है और फिर ये हाई को क्रॉस करेगा जहाँ से हाई बना के आया, दैट इज अराउंड 812। तो वापस क्या है कि मोमेंटम थोड़ा एक्सेलरेट हो सकता है। और जैसे हमने बताया कि कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स है उसको यूज़ करके हम थोड़ा कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। व्यू फोर को हमने डिटेल में एनालाइज किया, अब 125 मिनट में हम देखें यहाँ पर, अब देखिए कि DMA लाइन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पर हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब हम कुछ टारगेट्स देख सकते हैं कि क्या टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि डेली के हिसाब से यहाँ पर क्या टारगेट हमारा आ रहा है। तो पहले हमने डेली का एनालिसिस किया था, उसके हिसाब से क्या टारगेट आ रहा है उसको हम देखते हैं। सो 0 to 3 -4 यहाँ पर कर रहे हैं, तो डेली के हिसाब से हमें लग रहा है वन थाउजेंड से लेके 1100 तक का ये टारगेट जोन हमें दिखा रहा है कि इसके बीच में ये जो फिफ्थ वेव है वो टर्मिनेट हो सकता है। तो हम इसको यहाँ पर मार्क कर देते हैं इस तरह से, ये हमारा एक टारगेट जोन है। वाइट कर देता हूँ, तो दिस इज द टारगेट जोन। क्योंकि हम क्या है कि फिर छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेड सेटअप है, तो एक फिबोनाची क्लस्टर एस्टाब्लिश करके एक हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट जोन को असेस कर सकते हैं। तो डेली के हिसाब से हमें 1000 से लेके 1100 तक का टारगेट दिखा रहा है यहाँ पर। अब हमने 125 मिनट में भी एक सेटअप है ऐसा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 125 मिनट के हिसाब से भी अब क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको देखते हैं। सो अब हम यहाँ पर करेंगे 0 to 3 -4, तो फिबोनाची क्लस्टर कहाँ पर बन रहा है। तो आप देखिए कि 0.5, 0.618 ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन है एज पर सेट 125 मिनट चार्ट। 915 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, 915 950 के आसपास। और यहाँ पर ये वेव एक्सटेंड हुआ तो आप देखिए कि फिबोनाची क्लस्टर एक अच्छा बन रहा है, दैट इज अराउंड 1000। सो मेरा मानना ये है कि इसमें हम 1000 प्लस का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है वो कहाँ पर है, सो लास्ट क्लोजिंग इज अराउंड 800। तो अब हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अवर स्टॉप लॉस वुड बी वेव फोर लो, दैट इज अराउंड 736। 736 इज अवर स्टॉप लॉस। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में फिट होता है तो हम इसको प्लान कर सकते हैं कि लॉन्ग पोजीशन हम क्रिएट कर रहे हैं, लेट अस से कि हम ग्रेजुअली बाय करेंगे क्योंकि डेली में कंफर्मेशन नहीं मिला है। पहले हम 125 मिनट में कंफर्मेशन मिला है तो थोड़ी पोजीशन बनाएंगे, फिर 812 को क्रॉस करेगा फिर हम थोड़ा पोजीशन ऐड कर सकते हैं। फिर डेली में जो DMA लाइन मैंने बताया उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, वी कैन एड सम मोर पोजिशन। तो लेट अस से कि 8:30 के आसपास या 8:33 के आसपास हमारा ये एवरेज बाई प्राइस है और हम यहाँ पर 1000 के आसपास का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो पहले हम यहाँ पर रख देते हैं कि 1000 के आसपास का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिस इज अवर स्टॉप लॉस अराउंड 736 और हमारी जो एवरेज बाई प्राइस है दैट इज अराउंड 8:30 के आसपास। सो हमें देखिए कि फिर बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर भी 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड में ये ट्रेड फिट हो रहा है सो यू कैन ट्रेड। तो इस तरह से चीज़ों को बहुत ही डिटेल में आप एनालाइज कर सकते हो यूजिंग वेव प्रिंसिपल। और ये जो सेटअप वन बाय मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो मेरे कोर्स में, यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट है, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है आप ऑनलाइन कोर्सेज में जाओगे, यहाँ पे कोर्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी। और ये कोर्स का एक्सेस आपको लाइफ टाइम है, यू विल हैव ए लाइफ टाइम एक्सेस। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको सपोर्ट भी लाइफ टाइम मिलेगा, दैट मीन्स कि मैंने जो जितने भी कोर्स के सब्सक्राइबर्स हैं उनका एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया हुआ है और जितने भी ट्रेड सेटअप्स बनते हैं वो मैं पहले उनके साथ डिस्कस करता हूँ।
सो दैट यू कैन लर्न, और सीखते सीखते आप उसमें काम करके कुछ पैसा भी बना सकते हो। पर यहाँ पर करिकुलम है कोर्स का, आप ऑनलाइन कोर्स में जाओगे, फिर यहाँ पे आप करिकुलम में जाके पूरा ये कोर्स में क्या क्या कवर किया हुआ है अब तक, अभी भी बहुत वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ, अभी तक मॉड्यूल 9 मैंने कंप्लीट किया है। तो ये कोर्स भी ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि लाइफ टाइम सपोर्ट है और लाइफ टाइम आपको एक्सेस भी मिलेगा। सो दिस इज़ अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो ट्रेड सेटअप मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इट मे हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।